तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द न्यू वीडियो। और भाई, जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो टाइटल में मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी पांच टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा पबजी मोबाइल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा कम बंदों को पता है वो। तो भाई, जब अगर आपको वे टिप्स ट्रिक्स नहीं पता होंगी और फिर आपको पता चलेगी तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। तो चलो भाई, बिना किसी टाइम को गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पाँचों टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। और भाई, बताने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं टिप्स ट्रिक्स बताना। तो भाई, जैसा कि आपको पता ही है कि टिप्स ट्रिक्स का काम होता है गेम को आसान बनाना, और ये टिप भी कुछ ऐसी है। तो भाई, कई बार आपने देखा होगा कि आपकी फिस्ट फाइट हो जाती है या पेन फाइट हो जाती है, या फिर जब आप क्विक मैच खेलते हो तो मेले वेपन लग जाते हैं जिसमें सिर्फ तवा परात वही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। हाँ, ग्रेनेड्स भी मिलते हैं, पर वो अलग बात है। अगर आपको 1v1 फाइट करनी है पैन वगैरह से तो उसके लिए टिप है। तो जब आप नॉर्मली मुक या पैन मारते हो तो आप ऐसे जिगल करते हो और पंच का बटन दबाते हो, लेकिन इसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक है। वो ये है कि आपको अपना फायर का बटन और अपना प्रोन का बटन, इन दोनों को एक साथ दबाना है। जैसे अब आप स्क्रीन पे देखो, तो मैंने फायर का बटन और प्रोन का बटन एक साथ दबाया और अब देखो मैं स्क्रीन पे कहीं भी टैप नहीं कर रहा और इसके ऑटोमेटिकली मुक्के चले ही जा रहे हैं। तो अगर आपके हाथ में पैन होगा तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली पैन भी चले जाएगा। बस आपको फिर स्प्रिंट करना है और जंप क्राउच करना है, आप बंदे को आसानी से मार दोगे। और जैसे ही आपको मन करे कि आपको पंचिंग या पैन मारना रोकना है तो आपको फायर बटन को दोबारा दबा देना है, वो रुक जाएगी। तो भाई, जो सेकंड टिप है वो ये है, भाई लोग कई बार आपको चाहिए होता है एक्सटेंडेड मैग, लेकिन आपने पहले ऑटो पिकअप की वजह से उठा लिया होता है क्विक ड्रॉ मैग। तो फिर आपके पास जब क्विक ड्रॉ मैग होता है तो वो एक्सटेंडेड मैग उठाता ही नहीं है। आपको कितनी बार भी एक्सटेंडेड मैग मिल जाए वो उठाएगा नहीं, क्योंकि आपके पास पहले से क्विक ड्रॉ मैग है। और कई बार आप इस वजह से मर जाते हो क्योंकि आपको 10 गोली कम पड़ जाती है और आप ये बोलते कि यार अगर क्विक ड्रॉ की जगह एक्सटेंडेड मैग होता तो ये बंदा ख़त्म था। तो भाई, इस चीज़ का सोल्यूशन पबजी मोबाइल वाले ला चुके हैं। बस आपको अपनी बेसिक सेटिंग्स में जाना है और पिकअप पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको ये नया ऑप्शन दिखेगा, मैग पिकअप प्रायोरिटी। इसमें तीन ऑप्शन है, एक्सटेंडेड, क्विक ड्रॉ और डिफ़ॉल्ट। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट करोगे तो आपको वो मिलेगा जो आपको पहले मिल चुका है, वो रहेगा। और फिर इसमें से आपकी प्रायोरिटी लग जाएगी। अगर आप एक्सटेंडेड चूज़ करोगे और आपके पास पहले से क्विक ड्रॉ होगा तो वो हटके आपकी गन में एक्सटेंडेड मैग लग जाएगा जब आपको एक्सटेंडेड मैग मिलेगा। और ये सिर्फ AR के लिए नहीं है, AR, SMG, स्नाइपर, हर गन के लिए है। तो इसमें आपकी मर्जी है। अगर कई लोग भाई क्विक ड्रॉ के भी फ़ैन होते हैं तो जिनको क्विक ड्रॉ पसंद है वो क्विक ड्रॉ पर टैप कर दो, जिनको एक्सटेंडेड पसंद है वो एक्सटेंडेड पर टैप कर दो। और जो लोग ऐसे हैं, बहुत ही कम होंगे, 1% लोग होंगे कि जो पहले मिल गया मैं तो वो चलाऊँगा, तो उसके लिए आप डिफ़ॉल्ट पर रख दो इसको। तो गाइस, जो हमारी थर्ड टिप है वो कुछ इस तरह से है कि कई बार आप किसी ऐसे घर में होते हो जिसके आसपास पहाड़ होता है और आप घर के अंदर आराम से लेटे होते हो, आपको लगता है कि मैं कवर में हूँ, लेकिन कोई बंदा पहाड़ से आपको स्नाइपर मार देता है और फिर आपको पता लगता है कि यार आप एक्सपोज हो रहे थे, आप कवर में नहीं हो, और आप बहुत बार मरते हो इस चक्कर में क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि यार मैं किस एंगल पे हूँ जिससे मेरे को गोली ना पड़े। तो इसका तोड़ निकल चुका है भाई, मतलब अब ये आप पता लगा सकते हो। आपको क्या करना है, FPP पे स्विच कर लेना है। और अब आप देखो कि आप FPP पे स्विच करके पहाड़ पे देख पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि भाई जो पहाड़ पे बंदा है वो भी आपको आराम से देख पा रहा है। अब आप दूसरी साइड देखो, यहाँ पे सिर्फ आपको एक खिड़की दिख रही है, इसका मतलब ये है कि उस साइड से आप पे कोई एंगल नहीं बन रहा लेकिन उधर पहाड़ की साइड से बन रहा है। तो अब मैं रेंग के इस कोने में आ गया, तो अब मैंने देखा हर खिड़की में से भी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब किसी का मेरे पे एंगल नहीं बन रहा। और फिर मैंने दोबारा TP पे स्विच कर लिया और आराम से प्रोन हो गया, अब मैं सेफ हूँ, मेरे को कहीं से गोली नहीं पड़ेगी। तो जो हमारी फोर्थ टिप है वो है पेन किलर और एनर्जी ड्रिंक के रिगार्डिंग। तो अब आप देखो, एक पेन किलर लेती है भाई 10 यूनिट की जगह, जबकि एक एनर्जी ड्रिंक लेती है सिर्फ 4 यूनिट की जगह। और भाई, एक पेन किलर से मिलता है आपको 60% बूस्ट और एक एनर्जी ड्रिंक से मिलता है आपको 40% बूस्ट। तो भाई, अगर आपको फुल बूस्ट होना है तो आपको लगानी पड़ेगी 2 पेन किलर्स, और अगर एनर्जी ड्रिंक से फुल बूस्ट होना है तो आपको लगानी पड़ेगी 3 एनर्जी ड्रिंक्स। तो भाई, अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो जितनी जगह में आप 2 पेन किलर रखोगे उतनी जगह में आप 5 एनर्जी ड्रिंक रख सकते हो, और फुल बूस्ट होने के बाद भी आपकी 2 एनर्जी ड्रिंक बच जाएगी। तो गाइज, अपनी फिफ्थ टिप भी FPP के रिलेटेड ही है। तो गाइज, जब आप किसी पहाड़ पे गाड़ी चला रहे होते हो
तो कई बार आपका व्यू अटक जाता है, मतलब आपको ये नहीं देख सकते कि पहाड़ के ऊपर क्या है, आप एक ही जगह पे अटक जाते हो। तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको FPV पे स्विच कर लेना है और फिर आप पहाड़ का टॉप देख पाओगे और आप फिर आपको दिखता रहेगा कि मतलब आगे क्या है और आप आराम से चल पाओगे। गाइज ये देखो मैं TPP में कितना ही घुमा लूँ मैं देख नहीं पा रहा पहाड़ के टॉप पे क्या है, लेकिन जैसे ही FPP स्विच किया मैं देख सकता हूँ कि पहाड़ के टॉप पे क्या है। तो भाई एक बोनस टिप देना चाहता हूँ कि जब आप मेरे चैनल के नाम के आगे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को देखोगे तो भाई अगर वो लाल है तो आपके फ़ोन में वायरस आ जाएगा, तो आपको उसको दबा के ग्रे कर देना है। और भाई अगर वीडियो के नीचे लाइक का बटन भी सफ़ेद है तो आपको उसको दबा के ब्लू कर देना है, क्योंकि अगर आप वो भी वाइट रहेगा तो फिर भी वायरस आ जाएगा। तो भाई जोक्स अपार्ट, तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट दिखा दो थोड़ा, ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।